डियर स्टूडेंट्स, जिवें कि एग्जाम आ गए हैं तो सानू एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ टेस्ट पेपर करने की जरूरत है। सो आज दी इस वीडियो दे विच आपां डिस्कस करांगे सैंपल पेपर नंबर 1। बट इस पेपर दे असी सब तो पहला ग्रामर सैक्शन नू डिस्कस करांगे ते फिर उस तो अगलिया वीडियोज़ दे विच असी कॉम्प्रीहेंशन भी डिस्कस करांगे। स्टूडेंट्स, ये ग्रामर का जिहड़ा पार्ट हुंदा है इहदे नाल ही तुहाडे मार्क्स का पेपर दे विच बहुत ज़्यादा फर्क पै जांदा है। जेकर तुसी ग्रामर पार्ट ठीक कर जाने हो तो तुहाडी परसेंटेज इंग्लिश दे विच बहुत ज़्यादा वधिया आ जाती है, तो जे यही पार्ट रोंग हो जाए तो तुहानू बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। सो आपां इस पार्ट ते कंसेंट्रेट करना है। तुहाडा 4 नंबर की ट्रांसलेशन ते रीट्रांसलेशन आउंदी है, 2 नंबर की आपां इंग्लिश तो पंजाबी करनी है ते 2 नंबर की पंजाबी तो इंग्लिश करनी है। सो साडा पहला सेंटेंस है, द सन हैज सैट। सैट हुंदा है डुब जाना, तो सूरज डुब गया है, ये इसकी राइट ऑप्शन है। जे आपां बाकी दूसरियां नूं भी वेखी ऑप्शनस नूं, सूरज वल वेखो, वेखण दी इत्थे कोई नहीं लगी हुई इंग्लिश। सूरज निकल गया है, निकलण नूं आपां राइज़ कहने हैं। सूरज चल पिया है, सूरज चलदा नहीं है। सो अपना इत्थे जो राइट आंसर है दैट इज़ सूरज डुब गया है। दूसरा सेंटेंस है, ही वॉज एन ऑरफन। ऑरफन हुंदा है अनाथ, वॉज लग्या सी लग्या होना चाहिए, तो वह अनाथ सी, ये इसकी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो वह अनाड़ी सी, अंगहीन सी, निर्वैर सी, अजिहा इन्हों कोई नहीं आएगा। आर्ट बी, चूज़ अ करैक्ट ऑप्शन फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम पंजाबी और हिंदी टू इंग्लिश। हुण आपां जिहड़ा सेंटेंस दिता हुआ पंजाबी दे विच उहनूं आपां इंग्लिश दे विच कन्वर्ट करना है। सो फस्ट सेंटेंस इज, वह मेरी गल नहीं सुन रही है। तो आप इस देखते हैं कि ये रही है लग्या है, तो मतलब कि यह प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। इसनों बनाने का की तरीका है, इज एम आर लगाना है प्लस वी वन प्लस आई एन जी, ये अपना मैथड है। सो आप इस ऑप्शन देखते हैं, शी इज़ नॉट लिसनिंग टू मी, इतने इज एम आर चो इज लगे है, वी वन दे नाल आई एन जी लगे है। सो ये जी चीज़ है ये राइट है। बाकी ऑप्शनस भी देखते हैं, शी इज़ नॉट लिसनिंग मी, ये भी लगभग ठीक लगता है, बट ये की कमी है कि प्रपोजिशन नहीं लगी हुई, सो ये नहीं लगेगा। शी डज नॉट लिसनिंग मी, ये रोंग है। शी वॉज नॉट लिसनिंग टू मी, ये ऑलरेडी पास्ट विच है, सो इसकी जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ए, शी इज़ नॉट लिसनिंग टू मी। नैक्सट है सैकेंड पार्ट, उसने चाह पी ली है। जिस तरह के मैं ऑलरेडी टेंसिस की वीडियो के दसिया कि काम हो चुकया है, तो ये जो टेंस है इट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये आप हैज़ या हैव लगा के वी थ्री लगाने हैं। सो ही हैज़ टुक टी रोंग हो गया, हैज़ या हैव के नाल वी थ्री लगता है। ही हैज़ टेकन टी, ये बिल्कुल राइट है। थर्ड है ही हैव टेकन टी, ही दे नाल हैव नहीं लगता, हैज़ लगेगा। एंड फोर्थ है ही हैज़ टेक टी। सो ओनली राइट आंसर इज बी पार्ट, ही हैज़ टेकन टी, हैज़ लगा के वी थ्री। स्टूडेंट्स, टेंसिस की कंप्लीट नॉलेज के लिए तुसी मेरी टेंसिस वाली वीडियो भी वेख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, डू एज डायरेक्टेड। सो पार्ट ए इज फिल इन द ब्लैंक्स विद ए सूटेबल डिटरमीनर। असी सूटेबल डिटरमीनर लगाना है इन पार्ट 1। ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी, इतने ए ते द विचों वी विल चूज द, द नूं आपां चूज करांगे, क्योंकि इतने एक होर चीज़ देखो कि इतने अपनी जिहड़ी डिग्री थर्ड डिग्री लगी हुई है तो वो अगे हमेशा आपां द लगाने हैं, द बेस्ट पॉलिसी। सैकेंड पार्ट, गिव मी डैश कर्ड, तो ये सम तो फ्यू लगे, फ्यू आप लाने हैं जिहड़ियां काउंटेबल चीज़ा होंगे जिन्होंने आप गिन सकते हैं, क्योंकि आप कर्ड नूं गिन नहीं सकते, इस करके आप इतने यूज़ करांगे सम। पार्ट 3, डैश प्लेयर वॉज गिवन ए मैडल, तो इतने ईच तो एवरी नूं दे विच आप वेखना है भी की लगेगा। जिहड़ा ईच हैगा वो लिमिटेड लगता है, तो एवरी है जिहड़ा उसनों आप बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल विच जो काउंटिंग होंगी है तो उदो लगाना है, तो प्लेयर्स लिमिटेड है तो आप इतने लगावे ईच प्लेयर वॉज गिवन ए मैडल। सो राइट आंसर इज ईच।
फिल इन द ब्लैंक्स विद इनफिनिटिव और जेरेंड और पार्टिसिपल। असी इन तिना दे विचों कुछ एक लगा के फिलअप करनिया ने। सो फर्स्ट पार्ट इज चिल्ड्रन लव डैश प्ले। इस विच यूज करना आप इनफिनिटिव। इनफिनिटिव का मीनिंग होंगे टू प्लस वी वन, इसलिए आप प्ले अगे साढ़े को वर्ब लग्या होया, इसके अगे असी सिर्फ टू लगा देना। नैक्सट इज फैनस इंजॉय डैश सी अ गुड गेम। असी इस विच जेरेंड का यूज करना है। जेरेंड मीनिंग होंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नाल आई एन जी लगाना। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सी, सी दे नाल आपां आई एन जी लगा देना है। सो आंसर इज सीइंग, फैंस इंजॉय सीइंग ए गुड गेम। नैक्सट इज सिलेक्ट द करैक्ट ऑप्शन, ही इज टू स्लो टू लर्न। रिमूव टू, टू नू रिमूव करना है। अगर बेटा तुसी मेरी ये वाली वीडियो वेखी हुई है कि टू नू किस तरह रिमूव करना है, तो हमें बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। सो देखते हैं, ही इज़ टू स्लो टू लर्न। इस विच जदों आपां टू ते टू नू हटाना है, सो ते दैट दा आपां यूज़ करते हैं। सो पहला सेंटेंस ही इज़ वेरी स्लो टू लर्न, इस सो ते दैट लग्या ही नहीं, इट्स ऑलरेडी रिजेक्टड। ही इज़ सो स्लो दैट ही कांट लर्न, ही इज़ सो स्लो दैट ही, जिहड़ा थर्ड वाला है बेटा वह भी सेम ही सी बी दा, इस करके मैं नॉट नू कट के कैन कर दिता है, ही कैन लर्न। चौथी ऑप्शन है ही इज़ वेरी स्लो नॉट टू लर्न। देखते आप ए ते डी है जिहड़ा, इन्हां विच सो ते दैट लग्या ही नहीं है, इस करके अपने कोल हुण दो ही ऑप्शनज है, एक बी ते एक सी। दोहां दे विच सो भी लग्या ते दैट भी लग्या, बट आपां की ध्यान करना है, जदों सो ते दैट दा आपां यूज़ करते हैं तो सेंटेंस जदों पॉजिटिव हुंदा तो नैगेटिव बन जाता है, तो ये नॉट का लगना जरूरी है। सो इसदी राइट ऑप्शन इज ही इज़ सो स्लो दैट ही कांट लर्न। इसकी पूरी नॉलेज के लिए तुसी मेरी इस वीडियो नू देख सकते हो। नैक्सट इज इट्स नैवर सो लेट दैट वन कांट टैल द ट्रुथ। ये आप यूज करना है टू का, तो टू नू यूज करन दे लई आपां सो ते दैट नू हटाउणा हुंदा है, ते उन्हां दी जगह ते आपां ट्रू ते टू दा यूज करना हुंदा है। ये तुसी तुहानूं कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी वीडियो चों। तो इत्थे आपां देखदे हां की है, इट्स नैवर टू लेट टू टैल द ट्रुथ, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। बाकी भी देखते हैं, इट्स नैवर टू लेट दैट वन विल टैल द ट्रुथ। ये विल का यूज कर दिता है जदों कि ये कुछ परफेक्ट वाला नहीं है। इट्स नैवर टू अर्ली टू टैल ए लाई, इतने वर्ड ही उन्होंने चेंज कर दिते, ट्रुथ जगह पर लाई लगाता, इट्स टोटली रोंग। इट्स नैवर टू लेट टू हाइड द ट्रुथ, ये भी एक नवा वर्ड हाइड लगाता। तो जिहड़ियां लास्ट वालियां दो ऑप्शनस है वो इस कारण रिजैक्ट हो गई कि ये क्वेश्चन वाले वर्ड ही चेंज हो चुके हैं। सो अगर आप इस देखिए तो इसका फर्स्ट जो है, इट इज़ नैवर टू लेट टू टैल द ट्रुथ, इट्स राइट ऑप्शन। नैक्सट इज चेंज द वॉइस, सिलेक्ट द करैक्ट ऑप्शन। वॉइस चेंज करना है, दे रिवाइज देयर लैसन। सब तो पहला आप टाइप देखिए, रिवाइज वी वन लग्या होया है। जदों आप इसका आंसर बनावांगे तो इस विच इज एम आर का यूज होएगा। तो आप चार ऑप्शन देखते हैं, देयर लैसन, लैसन एक है, वॉज तो लग ही नहीं सकता क्योंकि प्रेजेंट लग्या होया है, सो रिजैक्टड। दे आर रिवाइज, ये भी रिजैक्टड क्योंकि सेंटेंस शुरू होना है देयर लैसन तो। नैक्सट देयर लैसन रिवाइज दैम, ये भी रोंग है क्योंकि इज एम आर लगाया ही नहीं है। सो लास्ट ऑप्शन इज देयर लैसन इज रिवाइज बाय दैम, जिहड़ी कि बिल्कुल राइट ऑप्शन है डी। नैक्सट इज आई बॉट ए न्यू कार। तो इस सेंटेंस नूं देखो, इस विच ऑलरेडी पास्ट लग्या होया बॉट, बॉट दे विच आपां फिर की लगावांगे, वी टू लग्या होया है, आपां वाज जां वार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चलांगे। तो इस दी ऑप्शनस हन, अ न्यू कार वॉज बॉट बाय मी, ये बिल्कुल राइट लग रही है। बाकी भी देख रहे हैं, आई वॉज बॉट ए न्यू कार, ये रोंग है जी क्योंकि जिहड़ा सेंटेंस है स्टार्ट होना है अ न्यू कार तो। तीसरा देखते हैं, अ न्यू कार, बट ये वॉज नहीं लग्या इस करके रिजैक्ट होगी। तो चौथा डी दे विच उन्हें फिर आई तो स्टार्ट करके नाल एम लगाता, सो इट्स अगेन रोंग। सो फर्स्ट इज़ द राइट ऑप्शन,
A new car was bought by me. Next is change the narration. Narration change करना है. The stranger said to me, I belong to Rajasthan. ता इन्ना दे विच said to लग्या होया है. इस करके जदों आपां अंदरली वर्डिंग चेंज करांगे ता V1 नू आपां V2 दे विच चेंज करना है. ते I नू आपां stranger दे नाल चेंज करना है. इस दा मेथड है. सो आपां ऑप्शंस देखते हैं. The stranger said to me. सैड टू नू आपां टोल्ड विच चेंज करना सी. सो आपां इस नू छड्ड देवांगे. द स्ट्रेंजर टोल्ड मी दैट ही बिलोंग्स टू राजस्थान. इहदे विच जिहड़ा सैकेंड पार्ट है उहदे विच बिलोंग्स लगा दिता जो कि प्रेजेंट है. सो रोंग है. बाकी ऑप्शन देखते हैं. ई ऑप्शन है द स्ट्रेंजर टोल्ड मी दैट आई बिलोंग टू राजस्थान. यह भी रोंग है क्योंकि इस विच ना तो आई नू ही चेंज किया गया ना ही वर्ब नू. सो डी ऑप्शन देखते हैं. द स्ट्रेंजर टोल्ड मी सैड टू नू टोल्ड विच चेंज करता. दैट आई नू उन्हें स्ट्रेंजर नाल चेंज करके ही लगाता. ही वी वन नू वी टू च करता. ही बिलोंग टू राजस्थान. सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. सो बेटा ये अपना 10 नंबर का ग्रामर पार्ट इस वीडियो दे विच डिस्कस किया. आई होप तुहानू ये अच्छी तरह समझ आ गया होएगा. इस ग्रामर पार्ट नू अच्छी तरह समझन दे लई तुसी मेरियां प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हो. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.